हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाबाश दिल से स्वागत करता हूं हमारे ME5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं करियर इन एनिमल हस्बेंड्री। जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में भी आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे ये नाम को आपने पहली बार सुना होगा। तो इसमें आप किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा इसी लेक्चर में। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन, इसके स्कोप के बारे में, ओके, कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी क्या होता है, और सैलरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एडमिशन आप किस तरह से लेते हैं, और इनके लिए सेपरेट कॉलेजेस भी हमारे इंडिया में डिज़ाइन किए गए हैं दोस्तों, डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं। जॉब प्रोफाइल्स के बारे में मैं बताऊँगा, एम्प्लॉयमेंट एरिया और मेजर रिक्रूटर्स के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ओके, और इन लोगों का भी बहुत ही डिमांड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा या विकास जी के द्वारा, अभिषेक सर के द्वारा, टाइम टू टाइम आपको जो है अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। सो एनिमल हस्बेंड्री इज़ नथिंग बट इट्स अ साइंस ऑफ फीडिंग, ब्रीडिंग एंड टेंडिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स दोस्तों, याद रखिए। ये तीन चीज़ें, ये तीन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आता है, एक तो फीड करना या फिर उनको ब्रीड, उनको पालना या फिर उनको टेंड करना, डोमेस्टिक एनिमल्स को। स्पेशली यहाँ पे फोकस रखा गया है कैटल को, शीप को, हॉर्सेस को, राइट, हॉक्स जिसे हम कहते हैं। एंड ये मोस्ट कॉमन करियर माना जाता है इन दिस फील्ड, जो कि एनिमल टेक्नीशियन हो गया, एनिमल केयर टेकर की तरह आप काम कर सकते हैं, ब्रीडिंग सुपरवाइजर एंड लाइफ स्टॉक फार्म मैनेजर की तरह आप काम कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो इट इज़ नथिंग बट, अब मुझे आप वन लाइन में पूछेंगे तो इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ एनिमल्स विद द पीपल। जी हाँ, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप वर्क करेंगे विद एनिमल्स एज वेल एज विद द पीपल ऑल्सो, राइट। एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या क्या है, बी कीपिंग, डॉग ब्रीडिंग, फार्मिंग, हॉर्स ब्रीडिंग करना, पिग फार्मिंग करना, ओके, रेजिंग कैटल, शिप फार्मिंग। तो तरह तरह के ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, ओके। एंड एनिमल हस्बेंड्री प्लेस ए वाइटल रोल इन रूरल एरियाज, बिकॉज वहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स देखने को मिलेंगे जो कि इसके ऊपर डिपेंड होते हैं अपने लिविंग के लिए, राइट। एंड रही बात अभी कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, यहाँ पे नेशनल डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और डिप्लोमा इन एनिमल वेलफेयर डिवीजन ऑफ मेडिसिन। ये डिप्लोमा कोर्सेज है जो कि 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद आप चाहे तो बैचलर कोर्सेज में भी जा सकते हैं, जैसे कि BSc इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी आप कर सकते हैं दोस्तों, एंड बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आप काम जो है पढ़ सकते हैं, अपने कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसे हम MSc इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग कहा जाता है दोस्तों। और उसके बाद इसमें डॉक्टरल कोर्सेज करने का भी ऑप्शन है, जो कि PhD इन एनिमल हस्बेंड्री और PhD इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री करने का भी आपको कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों। एंड मेन बात यहाँ पे आती है कि इन कोर्सेज में एडमिशन किस तरह से लें। जी हाँ, देखिए कई तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि AIPVT, ओके, जो कि ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट एग्जाम्स होता है। अभी तो पहले लिखा करते थे, अभी नीट जो आ गया है उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है दोस्तों। अभी नेशनल लेवल में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, नीट, ओके। तो उस एग्ज़ाम को लिखकर आप अपने मनपसंद कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद अपने खुद के जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस, वो भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखते रहते हैं। अगर आपने वहाँ पे अच्छे से रैंक ला कर मार्क्स अच्छे स्कोर किया है तो आपको बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो बॉम्बे वेटनरी कॉलेज है मुंबई में, श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी यूनिवर्सिटी है AP में, ओके, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री झारखंड हो गया, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस हरियाणा हो गया दोस्तों, और गुरु अंगद देव जो कि एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको जो है एक अच्छी तरह पढ़ाया जाता है रिगार्डिंग बैचलर कोर्सेस, जो कि अब डॉक्टरल कोर्सेज भी, राइट। इनफैक्ट कई तरह के ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एनिमल हस्बेंड्री परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। एंड मेन बात है जॉब्स एंड करियर स्कोप की। देखिए, जब भी आप इस फील्ड में प्रोफेशनल्स बन जाएंगे बाई
परस्यूइंग द बैचलर एंड मास्टर डिग्री कोर्सेज, तो आपको जो है तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खुल जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आप जो है एक बार इस डिग्री को होल्ड कर लेंगे सो यू कैन मैनेज अ लाइव स्टॉक ऑपरेशन कंसल्टेंट फॉर एन एग्री बिजनेस कंपनी, और आप या फिर आपका खुद का ब्रीडिंग फॉर्म भी खोल सकते हैं। तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो फार्म मैनेजर हो गया, रिसर्च असिस्टेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री टेक्नीशियन हो गया, ओके, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तरह तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप अपने जो है जॉब्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड कौन से ऐसे कंपनीज हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, तो पहला हो गया स्ट्रट फॉर्म्स दोस्तों, जी हाँ। उसके बाद आप पोल्ट्री फॉर्म्स में जा सकते हैं, रैबिट फॉर्म्स हो गया, वेटरनरी हॉस्पिटल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके, एवियरीज आपने बहुत बार सुना होगा, जूलॉजिकल पार्क्स, डायरी फॉर्म्स, तो तरह तरह के ऐसे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहाँ पे आप अपने जो करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड मेजर रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, इनफैक्ट हमारे घर के पीछे ही इनका एक बड़ी ऑफिस है, एंड वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ओके, एंड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी यहीं पे है दोस्तों, बैंगलोर में भी है अवेलेबल आपको इनकी रीजनल ऑफिस, और सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फॉर्म, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तरह तरह के आप अपने जो रिक्रूटर्स हैं जो हायर करते रहते हैं टाइम टू टाइम थ्रू वेरियस एग्जामिनेशन, और एक गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं दोस्तों जहाँ पे आपको अच्छा सा पैकेज भी देखने को मिलता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी की बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेशर की जो एवरेज सैलरी होती है वो शुरुआत होती है 12,000 से लेकर 17,000 तक होती है दोस्तों पर मंथ, ओके। तो एज ए टेक्नोलॉजिस्ट और ए रिसर्च आपको जो है 20,000 भी मिलता है प्रति महीना। अगर आप एक्सपीरियंस है आपको इस एरिया में, वर्किंग एरिया में एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो आपका जो है सैलरी वो भी इंक्रीज हो सकती है, इट विल गो अप टू मिनिमम 50,000 पर मंथ ही अब जा सकती है दोस्तों। सो दिस इज अबाउट एन बेसिक ओवरव्यू ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ओके। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिला होगा, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको ये भी नहीं पता होता है कि एनिमल हस्बेंड्री में भी हम अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आज सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।